हेलो एवरीवन, आज है छोटी दिवाली और छोटी दिवाली पे लोग सभी अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं क्योंकि दिवाली का फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे हिंदू धर्म में। तो और आज दिवाली छोटी दिवाली है तो अभी फ़िलहाल हम बना रहे हैं छोटी सी एक रंगोली, और रंगोली बना रहे हैं हम छत पे। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि ऋतिक और काफ़ी कर रहे हैं अपने कर कमलों द्वारा। देखते हैं ये किस हद तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलो, ये शुरुआत हो चुकी है हमारी छोटी सी प्यारी सी रंगोली की। और आपने भी तो रंगोली बनाई होगी ना अपने घर में, अगर किस किस ने रंगोली बनाई है कमेंट करके बताना, और हमें है ना अपनी वीडियो का फोटो का लिंक जरूर भेजना ताकि हम भी आपकी वीडियो को लाइक कर सकें। और इसमें जो भी ब्लॉग हम लड़के ही बनाते हैं, मैंने पहली बार लड़का बना, नहीं लड़के बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं। अच्छा, जो वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो पे, सबको थैंक यू। हम इस वीडियो में एक बहुत प्यारे कमेंट का नाम जरूर लेंगे। आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम ले सके। तो अभी शुरू करते हैं नेक्स्ट कारीगरी से। ये रंगोली बनवाने आई है, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। खलाल धरती हो गया आज तो, अब काफी धरती है यार, अब काफी नाश पीटने जा रही है एक नाश। कैसे क्या यो की है? हाँ, ऐसे करके फिर इसको बीच में ऐसे कर देगी, मेरे को मालूम है। मत सुना है, वाह वेरी गुड, बस थोड़ा सा खिंड आ रही है। बेचा मत, बस ऐसे ही था। हाँ, कर 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 कर, यहाँ से लगा दिया, हिला दिया है। अब इसको उठा भी नहीं सकते, इस कलर को ऐसा ये वेरी गुड। अरे मैं कलाकार हूँ, कलाकार है ये, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश कलाकार। आता हूँ मत, आती टूथ पिक से बड़ा होगा ये, नहीं आंगली ठीक है, आंगली से ही होगा ये। रुक जा, देख बढ़िया हुआ है, एक नंबर का फूल। आज ऐसी रंगोली बना देंगे, एक नंबर ऐसे कलर खंडा देंगे, किसे ना सोचे ना होगी। ठीक है, फूल को फूल नहीं बन सकता, वहाँ पे बना, इधर ही बना, और पूरा करेंगे इस फूल ने, फिलहाल पूरा करना है। पूरा करेंगे हम, तेरे हाथ तो कांप रहे हैं मेरे भाई। अरे यार ये क्या करता है, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में रंगोली बोलना है। अच्छा, ऑन था क्या वो लोग, बस बताई क्यों नहीं, क्या मिक्स हुआ है इसके। छोटा सा शिवलिंग भी है दीवे के ऊपर, भोले बाबा का शिवलिंग भी छुपा रहे, शिवलिंग ये रहा शिवलिंग, बहुत अच्छी क्या बात है भाई। सेंटर में तो नहीं है ये, शायद सेंटर में करना ही नहीं, फूल के सेंटर में रखना था ब्रो, सेंटर में नहीं रखना, डिजाइन ब्रो ऐसे तो ये भी छुपाना। अच्छा, गलत डिजाइन हो गया क्या, आप ही ना कर दिया मारे कारीगर। चलो कर लो कोई बात, ये ऋतिक ने बिगाड़ दिया थोड़ी, इसको सुधारने की कोशिश करते हुए काफी किरार बिगाड़ी को नहीं सुधारी है, मंदे सुधार दी। हाँ, ये इसने मेरा निकेट ठाकर लिया, काला गोल बना दिया, काला कलर है, देख सारा बार उठा भैया, कोई नहीं, हाथ से ठीक हो जाता है, डिजाइन बन जाते हैं हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। बना बेटा तू बना, शाबाश, क्या बात है, क्या कहने ये बात, ऐसे लड़के मान गए, बस हाथ कांपा थोड़े, कोई अरे कंपटीशन है ही कोनी, कितने कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन है कोनी, बात है क्या बात है, स्पीड में ना इसके ऊपर का हुआ होगा, नहीं भाई ये हेलीकॉप्टर चला होगा, देखिए थोड़ा भाई, ज्यादा मोटा मत करिए दोस्त, करे दिया ये तो भाई, नरे ईब तो नशे हो गया भाई, है भाई ईब को बात नहीं, ईब ना बनी बात सी, चलो बन गया, क्या बात है, बन गई बनेगा या तो क्यों करे करके, कांप गया थे हाथ ना, कांप रहे वो टेक्निक है वो उसकी, काफी तेरे को समझ में नहीं आता क्या, काफी वो उसकी डिजाइनिंग है, देखा साउथ अफ्रीका से कोर्स करके आया है इसने, के दे रहा है बता, कल तो एकेडमी पाई है, रंगोली बनाने का साउथ अफ्रीका से कोर्स किया, कल तो बारिश की छुट्टी, बारिश की छुट्टी थी कल इसकी, एडमिशन तो कल लेके गई थी,
किन्ने पढ़ दी है चाले गति इब इब फाइनल दिखावांगे बस इब दिखाने की मेरी असंग नहीं है इतनी कि मैं यू जहर दिखा सकूं बड़े पीछे बड़े लग गया ये ऋतिक बिगन करते हुए मेरा बहुत मन था कि मैं सीधा बड़े पीछे दिखाऊं लेकिन फिर भी मैं सोचा मैं चल दिखाए देते हैं कारीगरी करते हुए पहली बार बना रहे इस साइड भी सेम साइड ऐसा ही बनाना पड़ेगा जे ऐसा नहीं बना इस साइड में देखा झाड़ू पीछे मस्त लगे ये भर तो इसमें सुन अभी बढ़िया वाह इतने नहीं पहनी हां भरते ओए इस तरफ से मोटे हां शेप बदल गया काफी सुन किस साइड से स्टार बन गया ए यो अल्फा लग गया यार तो देखोगे नन्नू जाऊंगा नन्नू ओए जी अरे यार बद्दू मान जाओ हमारे काम ने देवता आस है ये पूरे ब्लॉग में उसका समझ में कोई नहीं है मैं काफी कहानी बोल लूंगा ऋतिक का नहीं ब्रो ये तुमने क्या बनाया ब्रो इधर से तो ये कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज लग रही है इधर से देखना पड़ेगा ये उनसे अरे क्या बात है भाई ऐसे डी फॉर डांस ए फॉर आंस एन फॉर अंस सी फॉर सी स भाई क्रेडिट तो भाई आज तो इसको देना ही पड़ेगा भाई क्रेडिट क्या बात है राइटिंग बड़ी सुधरी है भाई इसकी रे भाई यस डांस स्टूडियो बढ़िया लिख दिया भाई कोई नहीं इतना तो कि उसके ऊपर लिखा गया ठीक हो गया पहले बैठ रहा था वाइट से वाइट भाई बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा अंदर छोटा छोटा सा हैप्पी दिवाली व्हाइट से कर दे कोई बात नहीं ये ब्लू है ब्रो ब्लू है तो करना व्हाइट व्हाइट उसमें फिर है ना आएगे पकड़े को नहीं जो जब वो जाऊंगा को बात नहीं सुन सक रहा चैलेंज चला सा चैलेंज चाहे वो 10 मिनट मन जा चाहे 20 मिनट में ठीक है तो भाई ये दिखाऊंगा पूरा बने पीछे मैं मनाऊंगी शाम आएंगे तो भाई कैसी लगी रंगोली कितनी बढ़िया रंगोली बना दी भाई ऋतिक ने तो इसने काफी ने ये भी तो बना है यो वाली अच्छा लग रहा है अरे ये बना रहा है बीच में इसके सही लग रहा है ऊपर तो हमने बना ली है और अब हम बनाएंगे यहाँ पर मेन गेट पे शटर बंद है यहाँ पर बनाएंगे रंगोली और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाई है हमने रंगोली अब मैं भी साथ में बना रही हूँ तो दिखाते हैं ये तो है कलर्स देखो दीदी कैसे लोट पोट होके पूरी रंगोली का प्रोसीजर कर रही है कितना स्ट्रगल लगता है एक रंगोली बनाने में रंगोली बनाने की यही पोजिशन सही रहती है अगर बैठ के बनाओगे तो खराब हो जाएगी काफी द्वारा ये डिजाइन होता हुआ ये डिजाइन मेरे को तो करना आएगा नहीं इसलिए काफी ने किया है कर दिया वाओ अति सुंदर गाइस हम ये वाली रंगोली बनाना चाहते हो दीदी
दीदी इसके बाउंड्री के लिए लाइन लगा रही है, जो ये साइड में डिजाइन है ना ये वाले। कितने है टोटल वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो कितने कितनी मेहनत से लाइन लगाई है ये। भाई मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो जैसी आई वैसी बना दी। का प्रोसीजर शुरू हो गया आगे का, ये गोल गोल लगा रही है। इसके बाद आगे का काम मेरा है यही ऐसे ही डिजाइन बनाने का। धीरे धीरे करके दीदी नीचे जा रही है। बस दीदी कितना जाए, सीधा रोड पे जाएंगे बाहर, और बाहर ट्रैफिक चल रहा है। गाइस ये थोड़ा सा कलर रह गया और अभी रंगोली हो रहती है, देखते हैं पूरा होता है क्या। हमारे पास लिमिटेड कलर है बस, तो ये पूरी हो जाएगी या नहीं कैसी लग रही है। अब इसमें और भी काम रहता है, फिर बाद में आपको पूरा पूरा दिखाएंगे कैसे लगी है। फाइनली आप बताना कि वो सेम लग रही है उस जैसी। अब बताओ रंगोली कैसे लगी। अब यहाँ पे हैप्पी दिवाली और लिखेंगे जो बहुत सुंदर लगेगी, तब बताना कैसे लग रही है। और गाइस ये जरूर बताना कि ऊपर वाली ज्यादा अच्छी लगी है नीचे वाली। नीचे वाली ऑब्वियसली नीचे वाली लग रही है क्योंकि इस पे हमारे हाथ है। ऊपर वाले में भी था दे रात ऋतिक भी आके लग गए, बट वो अलग बात है, तुझे लगाने नहीं दिया जा रहा था। ऋतिक कह रहा था मैंने वोट डाउन वो जीते हैं रंगोली के झूठा। एएस आप ही बताना नीचे वाली अच्छी है ऊपर वाली। बताओ हमारी फाइनली रंगोली कैसी लग रही है। सुंदर लग रही है ना बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं मेहनत। लग रही है ना सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है। शायद तूने स्पेशली स्माइल जरूर बनाई है।